आप स्टूडेंट भी है, इलेक्ट्रिशियन भी है, एंटरटेनर भी है. आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ डिस्कशन वी एबल टू फाइनल दिस वन. वेलकम बैक टू द चैनल. और कल रात को जो हमने फन किया है जावेद और नुमान के रूम में, पहले आप वो देख के आओ, तब फिर आज का दिन शुरुआत करते हैं हम लोग. दोस्तों मैं अपने फ्रेंड्स के रूम में, नुमान इधर और ये है जावेद इधर, देखो. हाँ भाई साहब, ये बॉडी बिल्डर है. और ये हम ये बना रहे हैं फ्राइज आज, तो हम लोग और अफगानी बर्गर बनाएगा ये भाई साहब, तो मुझे खिलाएगा. First time cooking. You did the first time cooking? No. ऐसा लग रहा है कि पहली बार कुक करा. और ये इंसान कोई काम नहीं किया, कोई नहीं काम, खाली सिर्फ बैठ के टाइम वेस्ट कर रहा है हम लोगों सबका, और हम लोगों का दिल बहला रहा है. हम लोगों का सिर्फ दिल बहला रहा है और हम लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा है. इसीलिए देखो यार, कोई काम नहीं, सिर्फ ढक्कन ऐसे लीड बंद करने के लिए. और इसका काम है अभी सैलड बनाना, तो दोनों में का सैलड ना. और सैलड बनाने के लिए चटनी. दोस्तों फाइनली फर्स्ट बैच चिप्स रेडी हो गया है और सैलड भी रेडी हो गया. मिर्ची देखो, इतना मिर्ची तो हम खाएंगे नहीं, वैसे भी मिर्ची एक खाता है मैं नहीं. और जावेद दूसरा बैच बना रहा है और हम लोग अब बनाएंगे अफगानी बर्गर, जो हम लोग स्कूल में जो चपाती मिलता है हॉस्टल में वही वाला लेके आके उसको हम लोग कन्वर्ट करके बनाएंगे. क्या अफगानी बर्गर? अफगानी बर्गर. तो आपको भी रेसिपी बता देंगे हम लोग, आप लोग भी घर पे बना लेना. देखो दिस गाय, पुट अ सॉल्ट लाइक दिस. This guy told me that your hair is horrible. Which is no? My hair. Do it like this. Professional. No. Bring it here. Come here. This is Afghani burger. Are you sure this is Afghani burger? It's a kind of Afghani burger. तो आप लोग इसे सोच मत लेना कि अफगानी बर्गर की रेसिपी है. हम लोग बोल के इसे खाते हैं कि अफगानी बर्गर. और एक स्पेशल है जो मैंने बोला था आपको, कबली पुलाव हम लोग बनाएंगे, वो बंदा बनाएगा. ही इज द कुक कबली पुलाव. सो जिस दिन हमारा एग्जाम खत्म हो जाए ना, उस दिन आप लोगों को उसका भी रेसिपी हम लोग बता देगा. मैंने जितना सुना है उसके बारे में, इतना टेस्टी साउंड करता है, बट इन लोगों ने अभी तक बना के खिलाया नहीं मुझे, और कितने दिन से बोल रहे हैं. तो ये बंदा बना रहे तब लोग, हम लोग बना लेते हैं फटाफट, तो फिर खा के आपको बताएंगे कैसा बना है. ठीक है, फटाफट. अब इन लोग सब जितना लोग हिंदी बोलते हैं ना, फिर इतना फनी होता है, बट वी ऑलवेज ट्राई एंड स्पीक इन हिंदी समटाइम. नो ब्रो? यस यस. सुबह हो गई है, मैं उठ गया हूँ और मैं इतना देर में उठा हूँ, करीब 10:30 होने वाले हैं अभी. कुछ चाय मिस हो गया, ब्रेकफास्ट मिस हो गया, बेन अभी भी सो रहा है. और तो क्या हुआ, कल रात को देर में सुआ क्योंकि मैं वीडियो 4 बजे तक एडिट कर रहा था, बिकॉज फाइनली वीडियो एडिट हो गया. बिकॉज मेरे को आई वॉज सो एक्साइटेड टू यस्टरडेज वीडियो. तो अभी तो चाय जाके बाहर से लेके आना पड़ेगा, तो मैं जा रहा हूँ चाय बाहर से लेके आऊँ. मैं कल लेके आया था 2 हाइड्रेंसी, एक बच्चा है, एक मैंने खा लिया था, तो चाय के साथ वो सुबह सुबह खाते हैं, तो पलते चलते हैं चाय लेके आने. तो मैं वॉलेट ले लेता हूँ अपना, फटाफट चलते हैं. कितने नीटली मेरे अपने शेड्स टांगे हैं सब, ये सब फीजी से लेके आया मैंने. चलते हैं फटाफट. चाय लेके आ गया, अब चाय पी लेता हूँ, बिस्किट खा लेता हूँ, तब फिर मिलता हूँ आप लोगों से, तब थोड़ा एनर्जी भी आ जाएगा मुझे. हाय दोस्तों, फाइनली लंच टाइम हो गया और कम्बल देख के पीछे लग रहा होगा कि मैं भी सो के उठाऊँ. ये सही बात है कि मैं सो के उठाऊँ अभी. और खाने का वक्त होगा, खाने का वक्त पास होने वाला, 1:30 समथिंग हो गए. बेन भी खाना लेके आ गया उधर, बट अभी फोन में बिजी और उसका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है. से हाय बेन. टेंशन में इंसान, बिकॉज एग्जाम इज ऑलरेडी ऑन द हेड नो. और इज अबाउट टू रेन आउटसाइड, एकदम बेस्ट रेन होने वाला है. सोचा है कि बाहर जाऊंगा, बट जिस दिन मैं बाहर जाने की सोचता हूँ उसी दिन ही बारिश होती है. पता नहीं क्यों वो नफरत करता मुझसे, आई थिंक सो. तो मैं खाने में दिखा देता आपको क्या है,
कुछ इंटरेस्टिंग तो होता नहीं हमारे खाने में, बट आपको दिखा देता हूँ कि खाने में क्या है। रोटी, चावल, दाल, ये ऑब्वियस सा चीज है, ये तीन जो हमेशा हर दिन रहता है। और ये किसी चीज का सब्जी है। व्हाट सब्जी इज दिस ब्रो? इज पोटैटो? या इज बॉइल्ड पोटैटो? इज समथिंग लाइक कोफ्ता, ड्राई कोफ्ता, आई थिंक सो। कोफ्ता ऐसे ही होता है ना। सो देखो क्या है, बिकॉज क्या ना, मैं दिन भर क्यों सो रहा हूँ क्योंकि मुझे तबीयत भी अच्छा नहीं लग रहा है। और जो 4:30 सोएगा सुबह, तो इंसान कितना देर तक दिन में जागेगा, वो एक ही नहीं। तो वीडियो एडिट करके डाल भी दिया है, तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन करके करना है, तो मेरा वो एक काम तो खत्म हो गया। तो सोच रहा हूँ कि आफ्टरनून वॉक के लिए जाऊँगा आज संजय शाम को, बिकॉज बट बारिश ना हो यार, बारिश ना हो तो अच्छा नहीं लगा। और वो जो हमारा डॉग है ना बगल वाला, कितना रोज हो गया मिला ही नहीं मैं उससे। हर रोज तो नीचे अभी जा रहा था ब्रेकफास्ट के लिए, ऊपर तो जा ही नहीं रहा था, तो अभी उसके मुलाकात नहीं हुई 2-3 दिन से। हैव यू सीन द डॉग? द डॉग वेयर? व्हेन? यस्टरडे। बेन ने देखा है उसको। तो हम लोग, मैं फटाफट खाना खा लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या है। बेन तो पढ़ेगा। बेन, यू गोइंग टू स्टडी? बेन जा रहा है पढ़ने, तो उसका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 19 से इसका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है मेरा, सेकंड को है, दिसंबर को। तो मिलते हैं, फटाफट खाना खा लेते हैं, यही बोरिंग सा खाना पड़ेगा। सोच रहा था कुछ बाहर जाके खाऊंगा, बट उठा बहुत देर में, फिर जाके लेके आना अभी एक काम होता है। और जैसे मैं बाहर जाता हूँ वैसे भी बारिश होने लगती है, बट वैसे हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया बात। बाय 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 दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्त को देखो क्या कर रहा है। भाई भाई साहब स्टूडेंट भी है, इलेक्ट्रिशियन भी है, एंटरटेनर भी है, सब कुछ है। सो ये भी ना इलेक्ट्रिशियन ना, BMS टू इलेक्ट्रिशियन। व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट कनेक्टिंग चार्जर। चार्जर खराब हुआ है और उसको चार्जर मिल नहीं रहा, तो ये हमेशा अपना चार्जर बनाता ही रहता है। दोस्तों हम लोग निकले थे चिकन रोल खाने के लिए, और हम लोग कहाँ आ गए? सुपर मार्केट आ गए। हम लोग को चाहिए एग्स, और जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता हूँ, मेरे को मिलता ही नहीं। अब एग्स पहले यहाँ होता था, अभी है ही नहीं। एग्स कहाँ पे होगा? बेन जस्ट लुक, वेयर इज इट? बेन भाई साहब तो ऐसे पहन के आए हैं जैसे जिम जा रहे हैं। जिम? यू गोइंग टू जिम विद दिस जैकेट? ये बहुत बड़ा सुपर मार्केट है, और ये हमारे घर के वॉकिंग डिस्टेंस में है। ओह, द एग्स आर देयर। दोस्तों एग्स इतने महंगे हो गए, हमें पता ही नहीं चला ये कब हुआ। मतलब 2-3 हफ्ते पहले हम लोगों ने लिया था सिर्फ 150 रुपीज, बट ये वाला आई थिंक सो इट्स गुड 84। हम लोग सिर्फ फ्राई करके ही खाते, कुछ बनाते नहीं, सब्जी वब्जी कुछ नहीं बनाते। बट इस बार मेरे को ट्राई करना है एक भुर्जी। हैव यू एवर ट्राइड एग भुर्जी? नो। या वी विल ट्राई एग भुर्जी। और हम लोग आए थे चिकन रोल खाने, बट चिकन रोल का जहाँ पे चिकन रोल मिलता है ना, वहाँ पे ऑलरेडी इतना लाइन है, और वहाँ पे जाओगे तो ऑलरेडी 1 आवर खड़ा रहना पड़ेगा। तो इसको बोला पहले जाके एग ले लेते हैं, बिकॉज मार्केट बंद हो जाएगा। तो हम लोग एग लेने आगे, एग लेके तो फिर जाएंगे खाने। सो लेट्स गो, लेट्स रश बिफोर दैट वन आल्सो क्लोजेस। सो म्यूजली आई यूज़ टू ईट दिस ऑल दिस थिंग्स बिफोर, बट नाउ मैगी। कभी सोचा नहीं था कि मैगी का भी इतना ज़्यादा लाइन है, पूरा वहाँ से लेके पूरा वहाँ तक मैगी का लाइन। आपने कभी ये ट्राई किया है कमेंट करके बताना, मुझे अच्छा लगता है। बट द थिंग इज मैगी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट वी बाय इट ना। कभी कभी रात को वीडियो एडिट करते करते मुझे तो भूख लग जाता है। ये भाई का क्या है, आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ डिस्कशन वी एबल टू फाइनल दिस वन। यिप्पी भी लेते हैं और ये मैगी भी लेते हैं। तो चलते हैं फटाफट केश करा के भूख भी लग रही है मुझे। एडिट करते करते इंटरनेट के चक्कर में मैंने कुछ खाया ही नहीं, ना चाय पिया शाम को, कुछ भी नहीं किया। लाइफ कभी कभी ना, नाउ आई अंडरस्टैंड ब्लॉगर्स कितना इरिटेट होते होंगे वो लोग। यहाँ पे फटाफट कैश कराते हैं। ओके, लाइन नहीं है। हमेशा मैं आता हूँ यहाँ पे लाइन ही होता है, बट लाइन नहीं है। अब इनको देखो, एक एरिया ऐसे यू हैव टू कैरी टू होम। इसको एग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है एग, बट इसको हमेशा ज़्यादा सबसे ज़्यादा एग्स पसंद है। नहीं। फाइनली हमारा एग्स और नूडल शॉपिंग हो गया, बट वी एम गोना मिस द डोसा टुडे, बिकॉज थोड़ा चिकन खाने का मन कर रहा है आज। बट आई चिकन रॉ राइट, डोंट बम्प। भाई बाइक किधर से भी लेके आ जाते हैं लोग, और हम लोग यूज टू नहीं है ना। आर यू यूज टू द बाइक्स लाइक दिस इन योर कंट्री? नो 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 नो
जितना बाइक ये स्ट्रीट पे चलता है ना, जितना बाइक ये छोटा सा स्ट्रीट में, उतना मेरे पूरा कंट्री पे नहीं होगा बाइक। एक रिक्वेस्ट है प्लीज, आप लोग ऐसे जगह अगर यहाँ पे कहीं पे जाके खाना खाते हैं ना, प्लीज ऐसे कागज मत बिगे, रबिश भी रखा है, रबिश भी बिग दो जो। और इसने तो अपना जगह खोज भी लिया। मैं भी बैठ जाता हूँ। हाउ विल आई सिट देयर? होल्ड द फोन। ठीक है, क्या मस्त जगह। पहले मैं ना यहाँ पे फ्रेंड काम करता था ना, हम लोग यहाँ पे कितने बार आके खा चुके हैं चिकन रोल, और इतना मस्त होता है यहाँ पे। सो वी ऑलवेज कम इन इट। बेन, यू हैव आल्सो ट्राइड हियर ना? नो, आई नेवर ट्राइड। यू ट्राइड? नो। ओके, भूल गया मैं, शायद नहीं ट्राई किया, बट आज ट्राई कर देंगे, क्या कोई बात नहीं। सस्ता हो गया। अरे वही वाला चाहिए था। मैंने बोल दिया कि चिकन रोल चाहिए, मैंने अंडा चिकन रोल चाहिए था। गलत हो गया आप मेरे साथ, बहुत गलत। तो ये 100 रुपये का आता है लाइक दो, बट एनी वे खा लेते हैं, क्या कोई बात नहीं। हाउज इट? ट्राई एंड टेल मी हाउज इट। इट्स गुड। इट्स गुड। ट्राई एंड ईट द चिकन फ्रॉम इनसाइड, इट्स रियली रियली फ्लेवरफुल। सो गुड, स्पेशली द पराठा फ्रॉम आउटसाइड इज़ वेरी गुड। हम लोग खा लेते फटाफट, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों, खाना पूरा हो चुका है हमारा। लाइट यहाँ भी अच्छा नहीं है, तो एडजस्ट कर लेना। अब खाने के बाद में दिल कर रहा है कुछ जूस पीने का, तो हम लोग जा रहे हैं जूस पीने ऑन द वे होम। बस घर पहुँचने वाले, और ये ऐसे कैरी कर रहे हैं हम लोग, लो सोचे कि हम लोग बेच रहे हैं। दोस्तों, हम घर आ चुके हैं, और मेरा भाई देखो मेरे लिए कोक निकाल रहा है, और हम लोग प्यारे से बेड में बैठे, और इतना गर्मी लग गई ना, मैं जैकेट पहन के चला गया पता नहीं कहाँ से, और सोच रहा कि ठंड लगेगी। हाँ, डाल दो भैया, डाल दो। Cheers, Coke without anything। जो ठंडे ठंडे कोक का मजा है ना, उसे कोई नहीं बीट कर सकता। एक चाय और एक कोक, मुझे दो चीज बहुत ज्यादा पसंद है। वो हालांकि चाय और वो चाय मतलब ज्यादा चाय और कोक भी अच्छा नहीं है, बट क्या करूँ, कभी कभी गर्मी लग जाती है तो पी लेते हैं ना हम लोग। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, और आज हम लोग वीडियो जल्दी एंड कर रहे हैं, बिकॉज क्या है अभी ना 8-9 o'clock है, तो इसके बाद में मैं वीडियो एडिट करूंगा, फिर नहाऊंगा, फिर स्टडी भी करना है। तो अगले 2 weeks तक वी विल एंड द व्लॉग सो अर्ली, नो, बिकॉज वी हैव टू स्टडी एंड ऑल। सो जब तक हमारा स्टडी एग्जाम चल रहा है, तब तक हमें एंटरटेन कर लो, फिर उसके बाद में हम लोग ऐसे ऐसे आपको 12 बजे तक हम लोग कॉन्टेंट देंगे, चिंता मत करो उसका। तो आप लोग इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हम मिलते हैं आपको जल्दी अगले व्लॉग में, जो है कल, बिकॉज हम लोग तो डेली व्लॉग डालते हैं ना, वी आर डेली व्लॉगर्स। सो यू वांट टू से समथिंग? इफ देयर इज समवन हु इज फीलिंग पीटी दिस फैन कैन कमेंट देयर, दिस गाय डजंट ऑफ द फैन, इवन इफ इट कैन बी लाइक नेगेटिव 5 degrees, ऑलवेज फैन इज ऑन, बिकॉज आदत हो गया है मुझे, आदत। That's why I'm wearing a jacket. झूठ बोला है, don't lie. And guys, do wish him, on 19th is the exams are starting, so wish him good luck. Yeah. Because it's a very hard subject, and wish him very good luck. Yeah. Don't worry, you do well, right? Yeah, but sure. आप लोग सब wish कर देना and pray for him, he'll pass with flying colors. And also me, please. Bye bye, see you in the next vlog.